एक्चुअली मैं हमें स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग और मैं हूँ साक्षी धंजल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और रास्ता ऐसा ही है, मैं जा रही हूँ श्रृंग ऋषि जी के टेम्पल। आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, हिमाचल के अकॉर्डिंग श्रृंग ऋषि जी यहाँ के गॉड है, देवता माना जाता है, कलयुग के देवता माना जाता है एक्चुअली में। और मैं पहुंचने वाली हूँ 5 मिनट में टेम्पल। और क्या कहते हैं, टेम्पल का नाम लिया ही है तो हिमाचल में ना सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है आज के दिन, क्योंकि मतलब नॉट सबसे बड़ा बट हाँ बड़ा फेस्टिवल, 2 अप्रैल इनके लिए न्यू कैलेंडर का दिन माना जाता है। सो न्यू कैलेंडर के दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर श्रृंग ऋषि जी को पूजा जाता है। तो श्रृंग ऋषि का टेम्पल जो है वो ऊपर है और सीढ़ियाँ में जा रही है, जो कि लिखा तो 500 मीटर था बट गाड़ी से बैठने के बाद तो मुझे कहीं से सीढ़ियों का फील नहीं हो रहा कि 500 मीटर तक की सीढ़ियाँ होगी। और शोकर इज वर्किंग सो वेल, अभी क्या कहते हैं ऑलमोस्ट वी आर देयर, थोड़ा सा हमें आने में मतलब यू नो टाइम गया जस्ट बिकॉज ऑफ रोड। बट श्रृंग ऋषि जी का जो टेम्पल है वो पड़ता है जिबी में ही, जिबी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे किसी भी पूछ सकते हो तो पीपल कैन आंसर यू। और विलेज एरिया में पड़ता है ये। गाइस अभी तक हम मंदिर नहीं पहुंचे और हमारे हाथों में प्रसाद है, जस्ट बिकॉज एक अंकल जी हमें प्रसाद दे के चले गए और वो रास्ते में बांटते हुए चले गए पूरा प्रसाद। सो गाइस अभी टेम्पल का रास्ता बस 5 मिनट का है, मतलब कुछ कदमों का, और हमने गाड़ी नीचे पार्क करी, हमें स्पेस नहीं मिला। आई डोंट थिंक सो देवता दिखेंगे इनके, बट हाँ काफ़ी लोग मिलेंगे ऑब्वियसली, हम बहुत मान्यता है इस चीज़ की। बस टेम्पल है सामने और आप भी देख सकते हो यहाँ पे ऊपर टेम्पल, ऊपर देख ये टेम्पल सामने। ओके फिर ग्राउंड में जाओ ना, टेम्पल ये भी माना जाता है, हम 9 दिन तक नहीं खाते। So guys, जैसे हमारे घरों के पास शादियाँ होती है ना जब, तो ऐसा माहौल होता है इनके यहाँ पे फेस्टिवल्स में होता है, शादी में भी होता होगा ऑब्वियसली, बट इस टाइम उस जगह की वाइब्स ही कुछ और है। आगे भी कैसे है। सो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे मंदिर की तरफ से, सो वहाँ पे कहते हैं ठाकुर जी और श्रृंग ऋषि जी को एक साथ विराजमान किया गया है बेसिकली। ओके सो गाइस ये इनका टेम्पल है ऊपर एंड बढ़िया बढ़िया
बिन मामा करेगा मैं गिन बिन मामा को ये सर आ रहा है बेटा साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ खत्म करती हूँ इस व्यू के साथ, इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लविंग माई चैनल. एंड होपफुली आपको फेस्टिवल पसंद आया होगा. हाँ हाँ, मैं कैसे बेला बैठी हुई हूँ, आई एम हंग्री, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया. एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग एंड द नेक्स्ट प्लेस. और हाँ, 5,000 सब्सक्राइबर में यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.